उसमें स्टडी किया है कि भाई ये मिरर है, ये जो है ना आपका, ये एक मिरर ये है ना, और दूसरा मिरर आपका ये, ये दो मिरर दी हुई है, और यहाँ पे जो एंगल बन रही है आपकी, ये आई वन, ये भी आई वन, ये आई टू, ये भी आई टू। तो कंडीशन हमें क्वेश्चन में सिंपल सी बात है, जो क्वेश्चन हमारे पास दी हुई है उसमें ये पूछ रहा है कि इस दोनों मिरर के बीच की एंगल कितनी हो ताकि आपकी जो रे है वो पैरेलल हो, बस इतना सही क्वेश्चन है। तो अगर हम देखें यहाँ पे कि ये जो वैल्यू है कितने के बराबर की वैल्यू आ रही है, ये हमने क्या किया, देखो इस वाले पोर्शन को, एक ट्रायंगल जो होता है, ट्रायंगल में तीनों एंगल कितने की होती है, 180 डिग्री की होती है। यस, और सर जो रे पैरेलल हो वो जो रे है वो सर इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे की बात कर रहे हैं ना। हाँ, हम इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे की बात कर रहे हैं, ये इंसिडेंट रे और ये वाला रिफ्लेक्टेड रे। यस सर, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये दोनों एंगल जो होगी, ये दोनों मिला के मैं बात कर रहा हूँ, ये दोनों एंगल होगी आपकी 180 माइनस 2 आएगी। यस सर, ये वाली और ये वाली दोनों की मिला के बात हो रही है। उसी तरह से yes, इस तरफ भी ये वाली एंगल और ये वाली एंगल जो होगी वो कितने की होगी, 180 माइनस 2 आई की होगी, माइनस 2 आई। यस सर, 2 आई 2, ठीक है। यस सर, इसका मतलब हमें क्या देखना है, इसका सम, इसका सम, इस वाले का सम, इस वाले का सम, दोनों जो एंगल बनेगी ना वही हमने अभी जैसा हमने स्टडी किया वो डेल्टा मतलब डेविएशन के इक्वल होगी। एक तो हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया कि ज्योमेट्री से थीटा इक्वल टू आई वन प्लस आई टू कैसे आया, क्योंकि हमने बोला कि भाई ये एंगल और ये एंगल दोनों एंगल इक्वल होगा तो हमने इसका जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 180 माइनस 2 आई का, तो उसका हाफ कर दिया। फिर इसका भी बन रहा था 180 माइनस 2 आई का, इसका भी हमने हाफ कर दिया प्लस थीटा, तो मतलब ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस थीटा इक्वल टू 180 हमने लिख दिया, जो कि सम ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 होता है। तो सॉल्व करके हमने मिल गया आई वन प्लस आई टू इक्वल टू थीटा, ठीक है। और इससे पहले वाले इक्वेशन में जिसमें हमें डेल्टा निकालना था, डेविएशन निकालना था, उस डेविएशन के लिए हमने क्या देखा कि हमने देखा कि डेल्टा का जो इक्वेशन हमारे पास आ रहा है वो डेल्टा इक्वल टू 180 माइनस 2i प्लस 1, ये 2i1 प्लस 180 माइनस 2i है ना। तो टोटल डेविएशन ऑफ द रे के लिए ये फार्मूला है, तो जिसमें कि आपके पास कितना आया था, 360 माइनस 2i1 प्लस i2 आया, ठीक है। और डेल्टा की जगह पे आपने 180 लिया था, जो डेविएशन के लिए मैंने बोला कि अगर डेविएशन पैरेलल रे के लिए हो तो आप 180 लोगे, तो 180 लिया, जिससे कि आपके पास आपके जो दोनों वैल्यू i1 प्लस i2 को सॉल्व करके i1 प्लस i2 इक्वल टू 90 डिग्री आ गई, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये वाली एंगल जो बन रही है ये 90 डिग्री की आ रही है, क्लियर है। ये देखिए, ये कह रहा है टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 70 डिग्री, अ रे इज इंसिडेंट ऑन वन मिरर एट एन एंगल थीटा, द रे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम दिस मिरर फॉल्स ऑन द सेकेंड मिरर, फ्रॉम वेयर इट इज रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ थीटा। एक जनरल क्वेश्चन है, इसमें थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। ये हमारे पास दो प्लेन मिरर दी हुई है और रे का जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरह का है कि रे इस तरह से इस पे इंसिडेंट हो रही है और इंसिडेंट होने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट होकर दूसरे वाले मिरर पे इस तरह से आ रही है और उसके बाद रे आपकी यहाँ से फाइनली निकल रही है दूसरी तरफ इस तरह से। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन भी हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है आप पहला नॉर्मल आप ड्रॉ कर रहे हो मान लो, तो फर्स्ट नॉर्मल आपने ड्रॉ किया, एक नॉर्मल आपका इस जगह पे भी चूंकि रे इंसिडेंट हो रही है दूसरी जगह नॉर्मल यहाँ पे भी आएगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो दिस इज एन वन और जिस एंगल से ये इंसिडेंट हो रहा है वो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो थीटा है, तो इसको मैंने थीटा लिख दिया। तो रिफ्लेक्ट भी उसी एंगल से होगा तो थीटा से, ठीक है।
और यहाँ पे एक एंगल जो बन रहा है, मान लिया कि हमने ये वाला एंगल जो मिरर के साथ बन रहा है वो हमने मान लिया कि अल्फा बन रहा है, ठीक है। और रे जो है फर्स्ट वाली रे ए बी, ये रे है, उसके बाद ये रे सी तक आई है, सी के पास ये जो एंगल बन रही है मिरर के साथ, इसको हमने दिखाया कि ये बीटा एंगल बना रहा है। और साथ ही साथ जो ये एंगल हो रहा है सेकेंड वाले नॉर्मल के साथ, ये गामा एंगल बन रहा है, तो इसको मैं एन टू लिख रहा हूँ। ये पहला मिरर है हमारा एम वन और ये हमारा दूसरा मिरर है एम टू। अब हमें यहाँ पे निकालना है, जैसे क्वेश्चन आप देख रहे हो, हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में ये जो एंगल बन रही है ये 70 डिग्री बन रही है एंगल, है ना। अगर वो पॉइंट मान लें तो यहाँ पे एंगल दोनों मिरर के बीच की एंगल जो बन रही है वो 70 डिग्री की बन रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे डायग्राम में देखो, अगर ये 70 बन रहा है तो ये भी ये इस जगह पे एंगल जो बनेगा ये आपका 70 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये भी पैरेलल है। ये जो रे है ये डी मान लो सी डी इज पैरेलल टू ओ एम वन, ये ओ बी। अल्फा अगर मुझे चाहिए तो देखो अल्फा इक्वल टू कितना होगा, तो पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक 90 है, तो 90 माइनस थीटा, 90 में अगर थीटा को माइनस कर दें तो हमारे पास अल्फा आ जाएगा। तो अल्फा इक्वल टू 90 माइनस थीटा, पहला तो ये हो गया। और गामा अगर बात कर रहे हो आप, तो गामा के बारे में बात करें तो गामा इक्वल टू हो जाएगा, देखो यहाँ से ऐसे ही देखेंगे, इसमें भी ये पूरा 90 है, 90 में 70 माइनस करना पड़ेगा, तो 90 माइनस 70 मतलब 20 डिग्री। और उसी तरह से बीटा की बात कर लें, ये बीटा है हमारा यहाँ से यहाँ तक, तो बीटा जो है पूरे 90 अगर यहाँ से देखा जाए 90 में माइनस करना पड़ेगा आपको इसको 20 को, क्योंकि गामा को माइनस करना पड़ेगा, तो बीटा इक्वल टू 90 माइनस 20। इस तरह से सबकी जो वैल्यू है तो मतलब 70 डिग्री, तो बीटा इक्वल टू बीटा भी निकल गया। अब ट्रायंगल देख लो आप, ट्रायंगल कौन सा देखना है, बी ओ सी में, तो ये देखो बी ओ सी इस ट्रायंगल में बीटा निकल गया आपका, अल्फा निकल गया आपका और 70 डिग्री ये दिया हुआ है, तो आप लिखो अल्फा प्लस बीटा प्लस 70 इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री, तो ये आपका 180 डिग्री हो गया। तो अब यहाँ पे सबकी वैल्यू ले लो, अल्फा की वैल्यू कितनी है 90 माइनस थीटा की, तो 90 माइनस थीटा प्लस बीटा तो आपके पास दे ही रखा है, आपने निकाल लिया बीटा की वैल्यू 70 डिग्री है, 70 प्लस रेस्ट वाला पार्ट जो ये है ये 70 है ही, इक्वल टू 180 है ना। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो थीटा की वैल्यू, तो थीटा आपके पास ओवरऑल सबको सॉल्व करके 50 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन कैसा है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। डेंटिस्ट हमेशा यूज करता है कॉनकेव मिरर को टू सी द टीथ, इफ द मिरर ऑफ फोकल लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड इज हेल्ड एट अ डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द टूथ, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। दो ऑब्जेक्ट है ए और बी जो प्लेस्ड किया हुआ है इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ उसकी दी हुई है 7.5 सेंटीमीटर, गिव इमेजेस ऑफ इक्वल साइज ऑफ बी प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम द मिरर। कुछ चीज तो यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं, मैग्निफिकेशन ऑफ ए जो है उसके लिए फॉर्मूला आप आई ए बाय ओ ए इस तरह से लिखोगे, मतलब इमेज जो ए की होगी और ऑब्जेक्ट जो ए की पोजिशन में रहेगी। और उसी तरह से मैग्निफिकेशन ऑफ बी के लिए भी सेम फार्मूला लिखोगे आई बी बाय ओ बी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ तक सवाल है, दिया हुआ जो है हमारे पास वो आई ए इक्वल टू आई बी हमारे पास गिवेन है, और एक चीज और गिवेन है कि ओ ए इक्वल टू 3 ओ बी, ये चीज हमारे पास गिवेन है। तो सबसे पहले आपको जैसे एम ए अपॉन एम बी निकालोगे ना, तो वो हो जाएगा आई ए बाय आई बी इंटू ओ बी बाय ओ ए। तो ये आई ए और आई बी जो है ये दोनों सेम है, तो इसकी वैल्यू जो आएगी 1 की आएगी, तो ये 1 आ गया इंटू, इसके लिए 1/3 लिखोगे आप,
क्योंकि ओ बी बाय ओ ए तो ये 1/3 आ जाएगा, तो मतलब 1/3 आ गया आपका। लेकिन अब आपके पास और भी चीज़ जो दी हुई है उसको देखेंगे किस तरह से हम यहाँ पे करना पड़ेगा। मैग्निफिकेशन ऑफ ए, अगर याद होगा आपको मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला हमने और भी डिस्कस किया था, एफ बाय एफ माइनस यू ए, एफ और यू के टर्म में मैग्निफिकेशन का फॉर्म है। उसी तरह से बी के लिए भी एफ और यू के टर्म में मैग्निफिकेशन का फॉर्म है। अच्छा एक चीज पूछना है, ये सर ओबी अपॉन ओए इक्वल्स ये 1/3 क्यों लिखा सर? यहाँ देखो ओए इक्वल टू हमने लिखा है इस तरफ 3 ओबी, तो ओबी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ओबी बाय ओए 1/3 आ जाएगा। तो इसमें आप एफ माइनस यूबी अपॉन एफ माइनस यूए इस तरह से लिख सकते हो। अब यहाँ पे आप देखोगे क्योंकि इसकी वैल्यू जो एम ए और एम बी की जो वैल्यू है एम ए अपॉन एम बी की, ये 1/3 आई है, तो इसको आप 1/3 लिख दो। बाकी फोकल लेंथ भी हमारे पास दिया हुआ है, एक का फोकल लेंथ 7.5 है, तो फोकल लेंथ माइनस में होगा कौन के पे है 7.5 माइनस यू बी अपॉन में, ये भी होगा 7.5 माइनस में और माइनस 30। ठीक है, इस तरह से अब हमें यहाँ पे सिर्फ सॉल्व करना है और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यू बी। एक बार निकाल के देखेंगे खुद से, बताइए कितना आ रहा है यू बी का वैल्यू, -15 सेंटीमीटर आएगा। बिल्कुल सही है, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन, अभी तक जितना क्वेश्चन आपने किया ना उससे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, इस तरह का क्वेश्चन आता भी है पेपर में, इसलिए इसको ध्यान से रखेंगे ध्यान में। ये कंडीशन रहेगा ही रहेगा इसमें, तभी ये इस तरह क्वेश्चन सॉल्व होगा, इफ ए इज 3 times द साइज ऑफ बी। हाँ, इसमें हो सकता है कि कोई वेरिएशन हो जाए कि 3 times ना हो, 2 times हो, 1 times हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसके कारण कि इसका आंसर में चेंजेस आ सकता है।